हूँ आपके साथ नम्रता शर्मा। देखिए, बॉलीवुड सितारों का फेक अकाउंट बनना सोशल मीडिया पर आम बात है। इसके शिकार अब तक बहुत सारे सेलिब्रिटीज हो चुके हैं, राजनेता हो चुके हैं, नेता हो चुके हैं। होता क्या है, जब भी कोई हैकर इनका अकाउंट हैक करता है या फिर इनका क्लोन अकाउंट बनाता है, तो वहां से बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जाते हैं जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी को नागवार गुजरते हैं। और अब इसी की शिकार हुई है बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री रवीना टंडन। रवीना टंडन का ट्विटर पर किसी ने फेक अकाउंट बनाया है और आप ये देखिए कि उस अकाउंट से किसको सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो मुंबई पुलिस और दूसरा जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर है परमबीर सिंह, उनकी बहुत आलोचना हो रही है। और साथ ही साथ तमाम ऐसे विवादित ट्वीट्स किए जा रही हैं जिसका दूर दूर तक रवीना टंडन से कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर रवीना टंडन काफी परेशान हो गई हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी न सिर्फ अपने फैंस को दी है बल्कि उन्होंने मुंबई पुलिस से इसकी कंप्लेंट भी कराई है। साइबर सेल में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है उस शख्स के खिलाफ जिसने रवीना टंडन के अकाउंट को हैक करके, या मैं ये कहूं कि वहां से सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करके दूसरा अकाउंट बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इनका जो फर्जी अकाउंट बनाने वाला शख्स है, ये सिर्फ परमवीर सिंह या फिर मुंबई पुलिस को ही गालियां नहीं दे रहा है बल्कि रवीना टंडन की पिक्चर्स के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक सिक्योरिटी का भी विषय है, एक सेफ्टी का भी विषय है जिसको लेकर रवीना टंडन काफ़ी आहत हैं और इसीलिए उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द वो इस क्राइम को करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे कोई भी शख्स किसी भी सेलिब्रिटी का फर्जी अकाउंट बनाता है और फिर उनके नाम पे तमाम तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय हमें ज़रूर बताइएगा।